अपराधी, जब तक नेता अपराधी माफियाओं का और पदाधिकारियों का नेक्सस नहीं मिटेगा कोई लगाम नहीं होगी। चार सीट में चार आदमी, पांच आदमी केस में होते हैं, तीन आदमी को निकाल दिया जाता और दो आदमी को जज साहब के यहाँ से बेल मिल जाता है 3 महीना के अंदर। बलात्कारी को फांसी होती है, हाईकोर्ट कहता है फिर से 3 महीना के अंदर उसकी मॉनिटरिंग का, ये 3 दिन के अंदर फांसी सही लॉ नहीं कहता है। जब बलात्कार मेरे साथ हुआ और हम एग्जिट हो गया, एग्जिट न्यायालय से अति से क्या कहते हैं अस्पताल से हो गया कि बलात्कार का पूरी की पूरी प्रोसेस है और वो लड़की कह रहा है कि मैं इसको पहचानता हूँ, इसने हमारे साथ बलात्कार किया, तो उसके बाद सर मुद्दा सामने है फिर बच क्या जाएगा? तो सर कहाँ जाए हम अकेले, हमने 3 दिन के अंदर फांसी दिलवाया। गुजरात में इतना सामूहिक बलात्कार हुआ, 11 को फांसी से हट गई। हाजीपुर में एक गरीब दलित की बेटी का बलात्कार किया दबंगों ने, 3 दिन रखा पप्पू यादव के जाने के, जैसे सुना पप्पू यादव आ रहा 3 उस बच्ची को काट के फेंक दिया और सबको जेल में अरेस्ट करवाया, सर 1.5 महीना में बेल दे दिया। 5 लड़के को 1.5 महीना में बेल दे दिया, अरबपति है वो लड़का। जब उसकी माँ गई कहने तो कहा कि तोहर बेटी तो बनवे कर ले, इस मौज खातिर तो रहे ना 2-3 दिन, ये लैंग्वेज था सर। और न्याय नहीं मिला सर, कल एक पप्पू मातो की को लटका के मार दिया ओनर किलिंग में, और हमको सब बोला कि पप्पू यादव काहे ले जा रहे हैं आप, बेटी दबंग की है, गरीब का बेटा है, हम तो जानते नहीं, हम तो अभी जाने आपका कि निषाद है, हम तो मर्डर में आए, हम वहां गए तो पता चला ब्राह्मण है, हमको तो कुछ पता नहीं था। अपराधी सच बोलते, इस पड़ोसी का कोई मतलब नहीं, इस पड़ोसी का कोई मतलब नहीं। सर किस 5 बार जीता है ना राधा मोहन सिंह को, संजय जायसवाल को 3 बार जीता है ना, और कहता हमारा थाने नहीं सुनता है। राधा मोहन सिंह कहीं आज तक गए हैं मर्डर में? हैं रामा देवी गई है कभी मर्डर में? बताइए ना जरा, राज्यसभा के एमपी कभी मर्डर में गई हैं? आपका एमएलए कभी आता है तो जिताते तो आप ही लोग हैं। तो आप नेताओं की बातें नहीं कीजिएगा, हमेशा प्रशासन की बात करते हैं, हमेशा प्रशासन को गाली दिया जाए। अभी थोड़ा देर पहले मंत्री प्रमोद जी भी आके पूर्व मंत्री जो है यहाँ के गए हैं आपसे थोड़ी देर पहले। पूर्व मंत्री भैया, पूर्व मंत्री जी ही ना थे उस वक्त गन्ना मंत्री जब नरेंद्र मोदी आए थे, हैं उनकी औकात हुई गन्ना मंत्री 10 बार बोले ना हम खोलेंगे, औकात है। आरटीआई का जो बेटा मरा उसमें नेता लोग इन्वॉल्व है ना, मारने में मरवाने में क्या हुआ, जिसका बेटा आत्महत्या कर लिया, जिसके बाप को मारा अग्रवाल आग लगा करके, क्या हुआ, न्याय मिला उसके बेटे को? आज भी दर दर भटकते हैं सब, ये लोग इन्वॉल्व है ना उसमें सभ्य, कौन नेता इन्वॉल्व नहीं है उसमें, नाम बोल हैं छापिएगा जरूर, जब आपका बयान होगा। सर नहीं छापते हैं सर, अगले बार भी बोले दरोगा इन्वॉल्व, सीओ इन्वॉल्व, एडीएम इन्वॉल्व, पूर्व भाजपा अध्यक्ष इन्वॉल्व, एमएलए इन्वॉल्व, एमपी इन्वॉल्व, पूरा स्मगलिंग सर, दवाई से लेके शराब से लेके क्रैक से लेके ड्रग से लेकर के कौन कर रहा है? वहाँ का जो एमएलए है ढाका का, उसका भाई टोटल ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व है कि नहीं, छापिएगा हैं? अरविंद सिंह को मरवाया कि नहीं, अभी एक पुजारी बाबा को मरवाया कि नहीं, माफिया ने मरवाया? तो आप नेताओं पर तो बोलते नहीं है, इस पर लगाम कैसे लगेगा?